हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। अप्रैल का महीना चल रहा है और इस समय हमें कौन से प्लांट्स लगाने हैं ये हमारे बिगनर्स भाई बहनों के माइंड में आता रहता है कि हम क्या लाएं जिससे हमारा गार्डन अच्छा बना रहे। तो जो हमारे पुराने पौधा प्रेमी उन्होंने तो इस प्लांट्स को लगा ही लिया होगा, कोचिया का प्लांट्स है ये। और लेकिन हमारे जो बिगनर्स हैं वो इस समय जाके नर्सरी में 10-10 रुपए के पौधे मिल रहे हैं, ला के लगाएँ जिससे हमारा गार्डन और हमारा घर हरा भरा दिखता रहे, सुंदर लगता रहे। ये जब गोल बन जाता है, तैयार होता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मिट्टी में यदि क्यारी वगैरह में जगह हो, किनारे किनारे लगाएँ तो ये बहुत बड़ा गोलाई में होता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। मैंने तो मेरे पास तो गमला खाली नहीं था, मैंने देखिए डिब्बे में ही लगा दिया है। और लेकिन 10-12 इंच के गमले में लगाएं तो अच्छे से गोल में ये तैयार होता है और ग्रीनरी इसकी देखने में अच्छी लगती है। गर्मियाँ होती हैं तो गार्डन में वैसे भी सुंदरता कम होती है, तो इस प्लांट्स को लगाने से हमारा गार्डन अच्छा लगता है। और मिट्टी की बात करेंगे तो इसे जैसे नॉर्मल हम सभी प्लांट्सों की मिट्टी तैयार करते हैं, भुरभुरी मिट्टी थोड़ी हो, पोरस मिट्टी हो, पानी रुके ना हमारा, उसमें थोड़ी सी रेत वगैरह मिला लें, तो उस तरह की मिट्टी में आप इसको लगाएँ। और पानी आप पे इसको, चूँकि गर्मी है तो डेली ही पानी देना है, पानी इसको शावर करके देना है, जिससे इसमें शाम के टाइम आप इसको पानी दे दें, कभी कभी जब बहुत तेज़ गर्मियां हो तो सुबह भी दे दें, अगस्त तक ये पौधा रहेगा। अब आते हैं हम खाद पर। खाद की बात करें तो चूँकि ये फोलियज वाले जितने भी पत्तियों वाले पौधे होते हैं इनकी ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए हम लोग NPK का घोल देते हैं। और हमारे जो बिगनर्स भाई बहन हैं यदि उनके पास NPK नहीं है तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक काम करिए कि जो खाने वाला चूना होता है जिसको पान की दुकान पे मिलता है, जो पान में लगाते हैं उसके पैकेट छोटे छोटे आते हैं, तो उसको चूने को आप ले आएँ और पानी में घोल के 2 लीटर पानी में एक करीब 1 चम्मच घोल दें और थोड़ा थोड़ा मग से आधा आधा मग पानी इनमें करीब 8-10 दिन के गैप पे डालते रहें तो भी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। उसका कारण ये है कि इनको एल्कलाइन सॉइल पसंद है, तो इनका क्षारीय गुण लाने के लिए मिट्टी में हम चूने के पानी का प्रयोग करते हैं। तो कोई खाद इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन कंपोस्ट हमने पहले ही मिला रखी है, लेकिन फिर भी केयर तो हर प्लांट्स को चाहिए, बिना केयर के तो वो इतना सुंदर तैयार नहीं होगा। तो इतना सा आप केयर करेंगे तो प्लांट्स बहुत अच्छे से चलेगा। और इसको आप धूप की बात करें तो इसको धूप में रखिए, धूप इसको पसंद है, धूप में ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। हाँ ये ज़रूर है कभी कभी पानी यानी देना भूल जाए तो कुम्हला जाता है, तो आप थोड़ा सेमी शेड में रख दें उसके बाद। हाँ ये ज़रूर, जब आप नर्सरी से पौधा लाएँ तो इसको लगा करके 2-3 दिन छाया में रखें, उसके बाद धूप में शिफ्ट कर दें, इसे धूप पसंद है। बस इतनी सी ही थोड़ी सी केयर करें हम अपने प्लांट्स की तो ये बहुत अच्छा तैयार होगा। और आपके पास यदि ज़मीन में जगह है क्यारी में तो आप क्यारी किनारे किनारे लगा दीजिए, नहीं गमलों में लगाइए। प्लांट्स जो है देखने में बहुत सुंदर लगता है, तो फ्रेंड्स जाइए आप नर्सरी में और मैं सजेस्ट करूँगी आप कोचिया ला करके लगाएँ, विशेष रूप से हमारे बिगनर्स भाई बहन लाएँ इसको और लगाएँ। फ्रेंड्स आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, फर्स्ट बार देख रहे हो हमारा चैनल तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।